ट्वीट से एक विवाद उठा और वो विवाद भी इतना बड़ा बन गया कि अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोनू निगम ने उसे खत्म करने की कोशिश की लेकिन उससे भी एक नया विवाद शुरू हो गया। अब सोनू निगम फिर चर्चा में है। अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल वाले बयान के बाद से वो लोगों के निशाने पर हैं। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि सोनू निगम ने अपना सिर मुंडवा लिया है, बहस को एक बार फिर से नया टर्न दे दिया है। आखिर सोनू ने सिर क्यों मुंडवाया, इसके पीछे की कहानी क्या है? इन दो तस्वीरों में चंद घंटों का फासला है लेकिन इनमें एक बड़े विवाद के बाद सोनू निगम के नए अवतार की पूरी दास्तान भी दर्ज है। सोनू निगम का ये नया अवतार कट्टरपंथियों के एक धड़े को करारा जवाब है। सोनू ने मुस्लिम धर्मगुरु के चैलेंज को स्वीकार किया और मुंडवा लिया अपना सिर। ये यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मैंने आलिम को बुलाया, ये बाल अब जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब गायक सोनू के हेयर स्टाइलिस्ट मौलवी को दे रहे हैं नया चैलेंज। सोनू निगम की आवाज के लाखों करोड़ों दीवाने हैं लेकिन उनके गले से निकले कुछ अल्फाजों ने दुश्मनों की नई जमात पैदा कर दी है। वो इन दिनों अपने सुरों से ज्यादा अपने बोल की वजह से चर्चा में है। सोनू निगम ने अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर एक ट्वीट किया तो एक खास बिरादरी के कुछ कट्टरपंथियों ने उन निशाने पर ले लिया। मुंबई से लेकर कोलकाता तक मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस ट्वीट पर हंगामा खड़ा कर दिया लेकिन सोनू निगम ने कूल माइंड से शिकवे शिकायतें सुनी। कोलकाता के एक मौलवी ने उन्हें अपना सिर मुंडवाने का चैलेंज दिया तो सोनू ने बिना किसी देरी से इसे स्वीकार कर लिया। कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है। मैं बिल्कुल ऐसा मानता नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर बट आई बिलीव एवरीथिंग। सोनू निगम ने कहा कि उन्हें किसी मजहब से कोई शिकायत नहीं है, वो जो बात कहना चाह रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। उन्होंने अपने मुस्लिम हेयर स्टाइलिस्ट को बुलवाया और कटा डाले सिर के बाल। दरअसल सोनू निगम के लाउडस्पीकर वाले बयान के बाद पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल की ओर से सोनू निगम को चुनौती दी गई जिसमें कहा गया था अगर कोई सोनू निगम के बाल मुंडवाएगा, फटे जूतों की माला पहनाएगा और पूरे देश में घुमाएगा तो उसे 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। देश के धर्म के और देश के खिलाफ बात किए हैं, मैं ये समझता हूँ एज अ डिसेंडेंट ऑफ होली प्रॉफिट। काउंसिल के उपाध्यक्ष की इस धमकी के बाद सोनू निगम ने बकायदा मीडिया को जमा किया और अपने अंदाज में फिल्म इंडस्ट्री के मुस्लिम नाई के पास जाकर सिर मुंडवाया। सैयद सा आतिफ से 10 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। यही नहीं, सोनू निगम का बाल काटने वाले नाई ने उस पैसे को चैरिटी में इस्तेमाल करने का भी ऐलान कर दिया। अगर उनके पास 10 लाख रुपए है और मुझे देना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लूंगा मैं, और मैं एक अच्छी चैरिटी को दूंगा। और ऐसे काफी चैरिटी है जो मेरे दोस्तों की है और मैं भी काफी लोगों को जानता हूँ जिनको पैसों की जरूरत है, अगर उनको मिलता है तो बहुत अच्छा है। हालांकि सोनू के सिर मुंडवाने के बाद माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के उपाध्यक्ष फिलहाल इनामी रकम देने से मुकर गए हैं। उनका कहना है कि अभी तक सिर्फ एक ही शर्त मानी गई है। सोनू निगम अपने ट्वीट को लेकर मचे विवाद से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि नई पीढ़ी को ध्यान में रखकर उन्होंने जो कुछ कहा उसे सकारात्मक ढंग से लिया जाना चाहिए। वो कलाकार हैं और किसी भी मजहब के लोगों को ठेस पहुंचाना उनका कतई मकसद नहीं था। सोनू ने आज न सिर्फ नपे तुले शब्दों में अपनी सफाई पेश की बल्कि एक मुस्लिम नाई से अपने बाल मुड़वा कर यह भी संदेश दिया कि उन्हें किसी धर्म विशेष से कोई बैर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। विवाद खत्म करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे एक नया विवाद शुरू हो गया। सोनू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने ट्वीट पर सफाई दी, कहा कि ट्वीट की जो मंशा थी उसे समझने में लोगों से चूक हुई है। इस इंसान ने पूरी जिंदगी मोहम्मद रफी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब है, मोहम्मद ताहिर जी हैं, जिसके ड्राइवर्स मुसलमान रहे हैं अभी तक, जिसके ट्रेनर मुसलमान हैं, जिसके सबसे नज़दीकी दोस्तों में से जैसे वाजिद हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला। मेरे घर में जब मेरे पैर में तकलीफ़ थी तो तलत अजीज़ जी ने आके मुझे मेरे घर पे इफ्तारी दी और मेरे बेडरूम में नमाज़ पढ़ी और वो अजान पढ़ी जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। और उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसा सोचे या कहे या उसको ऐसे टेंट करे कि एंटी मुस्लिम एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, ये इन लोगों की जो हमारे देश की मनस्थिति है उसका इश्यू है।
जिस पोर्शन में मैंने लिखा था कि गुंडागर्दी है बस, उसके पहले का ट्वीट आपने जिक्र नहीं किया। मैंने लिखा था कि आई एम इक्वली अगेंस्ट द टेम्पल्स एंड द गुरुद्वारास हु एनफोर्स हु आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वेक अप पीपल फ्रॉम द स्लीप्स हु डू नॉट फॉलो द रिलीजन। मैं नहीं, मतलब अगर मैं आई कैन नेवर डू दिस टू अ मुस्लिम कि वो उसके घर के सामने आके मैं बोलूँ हरे राम राम, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनको इससे कोई संबंध नहीं है। दे विल नॉट इन्जॉय वॉट मीन्स प्रेयर टू मी डज नॉट मीन प्रेयर टू देम। मेरा सिंपल सा ये कहना था कि हम इतनी थोड़ा सा आपस में एक कंसिडरेट नहीं हो सकते। तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, वहाँ पर लाउड स्पीकर कोई रिलीजियस नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि लाउड स्पीकर का आविष्कार एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी के बाद में हुआ है। तो ये कोई धर्म का हिस्सा नहीं है कि बहुत सदियों से चलती आ रही है बात। ये एक मेरे हिसाब से जब किसी मंदिर के ऊपर या किसी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया जाता है तो ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही थी कि मैं देखो तुम सबको बता रहा हूँ यहाँ पे मेरा रिलीजन का चलता है। मेरे हिसाब से ये गुंडागर्दी है, ये मेरा मानना है। आपके लिए शायद ये लाड प्यार होगा, मेरे लिए लाड प्यार नहीं है। इतना सेक्युलर मैं समझता हूँ अपने आप को, ना मैं राइट विंग हूँ ना मैं लेफ्ट विंग हूँ, मैं इधर बीच में स्टैंड करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम जिस मुझ जैसे लोगों की तादाद कम है, ज़्यादातर राइट विंग है, ज़्यादातर लेफ्ट विंग है, बीच के लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं बीच में खड़ा हूँ, मैं माइनॉरिटी हूँ एक्चुअली। बिना प्लान किए मैं कह रहा हूँ, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मेरे कहने में किसी का निरादर नहीं है। मैं एक सोशल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ना कि रिलीजियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इसे उतना तक ही रखें। सोनू निगम के ट्वीट पर हर ओर हंगामा मचा हुआ है। बॉलीवुड से लेकर सियासत तक हर ओर सोनू के ट्वीट पर चर्चा हो रही है और एक दो खेमा बट गया है। लोगों की हर ओर चर्चा हो रही है इन बातों की। बॉलीवुड में सोनू के दोस्त भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, कुछ उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं और इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। तीन ट्वीट और सैकड़ों सवाल। बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम ने सुबह की अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर ट्वीट किया तो गदर मच गया। कोई समर्थन में आया, किसी ने फतवा जारी कर दिया। सोनू निगम पर चौतरफा वार होने लगा, कोई इसे मजहबी चश्मे से देखने लगा, किसी को इसमें सियासी नफा नुकसान नजर आने लगा। बॉलीवुड से लेकर सियासी गलियारों में सोनू के ट्वीट पर लकीरें खिंच गईं। सभी का अपना अपना मत है। सोनू के बॉलीवुड का कुनबा भी सोनू के ट्वीट पर दो खेमों में बटा हुआ नजर आया। इस तरीके से कहना कि चोंचलेबाजी है और गुंडागिरी है, ये बात मैं सोनू जैसे एक 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 अजीम फनकार से मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो ऐसी बातें करेगा। ये तो लाउडस्पीकर के अगेंस्ट लड़ाई है, ये तो हर इंसान को खड़े होकर बोलना चाहिए। कितने लाखों करोड़ों हिंदू नहीं दिवाली के पटाखों की आवाज को लेके शोर मचाते हैं, नहीं वो गणपति और इसमें सब लोग लिखते हैं और बोलते हैं हमेशा कि ये सब गलत है। तो क्यों नहीं मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं पढ़े लिखे और जो अवेयर और मॉडर्न लोग हैं वो खड़े होकर क्यों नहीं कहते हैं ये गलत है। सोनू ने किया है एक देश को, एक डेमोक्रेसी को आगे चलाने के लिए एक फियरलेसनेस भी चाहिए और थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी चाहिए, और मेरे ख्याल से सोनू ने दोनों काम बहुत अच्छे से किए। किसी मुद्दे पर हंगामा हो तो भला इसमें सियासी पार्टियां कहां पीछे रह सकती हैं। सोनू के अजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल वाले ट्वीट पर छिड़ी जंग में नेता कूद पड़े। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल ने सोनू निगम के समर्थन में ट्वीट किया, नमाज का बेहद जरूरी हिस्सा है अजान, आधुनिक तकनीक के जमाने में लाउडस्पीकर जरूरी नहीं है। सोनू निगम के बहाने सियासी दलों ने अपनी सियासत चमकानी शुरू कर दी है। किसी ने अजान के शोर को लेकर उठाए सवाल को सही ठहराया, किसी ने सबको साथ लेकर चलने की दुहाई दी। नहीं देखिए, जब लड़ाई होती है और सुधार के लिए लड़ाई होती है, रिफॉर्म के लिए लड़ाई होती है, तो ये रिफॉर्म की लड़ाई में सभी जो समझदार लोग हैं जो इस रिफॉर्म के पक्ष में खड़े होते हैं उनको ओपनली इसमें आना चाहिए, और ख़ास तौर से ये आवाज़ समाज की तरफ से भी उठनी चाहिए और समाज की तरफ से इस दिशा में आगे कदम उठाना चाहिए। सोनू निगम मुझे लगता है पिछले 30 साल से 35 साल से गाना गा रहे हैं, मैं बहुत करीब से अच्छी तरह जानता हूँ। पता नहीं अचानक उनको अजान जगाने लगी,
अजानें चल रही हैं 30 साल से। अब ये भारतीय जनता पार्टी का तरह तरह के गांव हत्या और ये तमाम मुद्दे जब उठने लगे मुसलमानों से संबंधित, तो उनकी भी नींदें खराब होने लगी। ये उचित नहीं था। पूरी दुनिया भर में अजान भी होती है, लाउड स्पीकर से भी होते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। कोई अजान ऐसा नहीं है कि 24 घंटे लगातार कोई बजने वाली या सुनने वाली कोई है। तो अनावश्यक रूप से ऐसे मुद्दों पर ध्यानाकर्षण करना और उसमें एक विवाद पैदा करना, ये किसी भी तरह भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। जाहिर है मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान लंबे समय से हो रही है, लेकिन सोनू ने ऐसे वक्त में ये सवाल उठाया जब पहले से ही मजहबी मुद्दों पर देश में तनाव बढ़ा हुआ है। टीम न्यूज नेशन। और वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट सैयद शाह आतिफ अली अल कादरी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने 10 लाख का इनाम देने के लिए बात कही थी और जिसको लेकर सोनू निगम ने अपना सर मुंडवा लिया है। कादरी साहब, 10 लाख का इनाम आपने देने की बात कही थी, अब तो सर मुंडवा लिया है, अब आप मुकर क्यों रहे हैं? जी, आप सुन सकते हैं मेरा आवाज? बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। सबसे पहले मेरे बात को हेलो जी 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 सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। मैंने क्या कहा था कि सोनू निगम जो कहा है, अगर सोनू निगम ये हिंदुस्तान की शान के खिलाफ बात क्या है और डेमोक्रेसी के खिलाफ बात क्या है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ बात क्या है, यहाँ हम सब धर्म के आदमी मिलके रहते हैं, उसे अगर कोई चीज़ की दिक्कत है वो इस तरीके से पब्लिकली बोल के इंसानों के दिल में दुख नहीं दे सकता। तो मैंने ये कहा था कि वो, अब सुनाई दे रहा आपको मेरी आवाज? मैंने ये कहा था और मैं बिल्कुल आई ऑलवेज स्टिक टू माई वर्ड्स। मैंने ये कहा था कि जो भी इंसान सोनू निगम को टकला करके और उसके गले में एकदम फटी हुई जो चप्पल, एकदम फटीचर जूता का, कोई भी ब्रांडेड नहीं चलेगा, क्योंकि वो ब्रांडेड वाला इंसान नहीं है भाई। अभी जो कर दिया है, नहीं तो हम भी उसको बहुत इज्जत करते थे, आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम। तो अभी उसने जो किया है, इसलिए आप पैसे नहीं दे रहे। नहीं नहीं, सुनिए, नहीं, मेरा बात आप कंप्लीट करने दीजिए, मेरा बात को कंप्लीट करने दीजिए। आप जब हमको पूछ रहे हैं तो लेट मी कंप्लीट दैट। ओके, पहली बात, हमने 3 डिमांड किया था। एक तो सर को मुड़वाना, जो वो कर लिया है। अब दूसरा बात यह है कि गले में खराब से खराब जूता का माला पहना के, 3 नंबर, उसको हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने 100 150 200 करोड़ का जो भी आबादी है, वो सब के पास जाके अगर वो माफी मांगे, क्योंकि उसने सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि मुसलमान नहीं, वो हर हिंदुस्तानी का उसने दिल दुखाया है। अगर वो सबके घर घर में जाके वो माफी मांगे, तो दिल दुखता है इन बातों से, लेकिन धर्म के लिए उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने शोर के खिलाफ कहा था। और जब दिवाली के पटाखों के शोर पर इतना हंगामा होता है तब तो आपने कुछ नहीं कहा, जब लाउडस्पीकर पर जो लगातार जगराते होते हैं उस पर हंगामा होता है तब तो आपने नहीं कहा, उनको लेकर भी पुलिस कंप्लेन होती है, अगर 10 बजे रात की बात से होता है तब तो ये आवाज नहीं उठती है। सुनिए, जिसको नॉइस पॉल्यूशन है तो वो, सुनिए, अगर किसी को नॉइस पॉल्यूशन है तो वो नॉइस पॉल्यूशन में जो भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर ये कह देता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार कहीं भी किसी किस्म का लाउड स्पीकर यूज नहीं होगा, तो अरे सर, पर डेसिबल्स का तो पहले से ही है, पहले से ही रूल है कि आप कितने तक का साउंड रखेंगे, कितने तक का तो नहीं रखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बार बार क्या कहेगा आपको? सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सोनू निगम ने जो कहा उसको अगर कुछ बोलना था तो वो बिल्कुल जाता, बाकायदा। चलिए चलिए, जिन्होंने हेयर स्टाइल,